हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विशाद बसनेत। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज है गुरु पूर्णिमा, गुरु का दिन। आज मैं अपने सारे गुरु को इस वीडियो के माध्यम से नमन करना चाहूँगा, नमस्कार करना चाहूँगा, उनका चरण स्पर्श करना चाहूँगा, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी विद्या इनकम्प्लीट रह जाती है। मैं सबसे पहले आज मेरे प्रथम गुरु, मेरे मम्मी पापा को आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, जिनके चलते आज मैं जो भी हूँ उनके चलते हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से मैं उनका चरण स्पर्श करना चाहूँगा। उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने एक गुरु के साथ इंट्रोड्यूस किया, वो है हमारे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे 35 करोड़ देवी देवता। उनको मैं अपने तहे दिल से कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा। धीरे धीरे मेरे जीवन में बहुत गुरु आते चले गए और सब कोई मुझे सिखाते चले गए। याद रखिएगा दोस्तों, अगर किसी से भी आपने एक शब्द भी सीखा है, वो आपके गुरु हैं। तो मैं आज उन सारे लोगों को यहाँ से चरण स्पर्श करना चाहूँगा, जिनसे एक एक शब्द मैंने सीखा हो, एक एक नॉलेज मैंने उनसे एक्वायर किया हो। मैं कुछ टीचर्स को आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, जो मेरे थिएटर टीचर रहे हैं, एक्टिंग टीचर रहे हैं, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखा है मेरे जीवन में। उनमें से कुछ नाम मैं उनको गिनाना चाहूँगा, किसी का नाम छूट गया तो मुझे माफ़ी कीजिएगा। स्वर्गीय पंडित सत्यदेव दुबे, बहुत बड़ा नाम थिएटर का, जिनके साथ मैं थोड़ा कुछ सीख पाया। पद्मश्री निरंजन गोस्वामी, लेट वीना पानी चावला, अशोक पुरंग जी, हबीब तनवीर, अश्वत भट्ट, रुपेश टिल्लू, क्लाउडियो कैलविजा, जॉन बैशफोर्ड और बहुत सारे लोग, सूरज थापर, है ना, ये सारे लोग हैं जिनके साथ मैं अपने एक्टिंग के करियर में जुड़ता चला गया, उनके साथ बहुत कुछ सीखता चला गया, और कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ इम्प्लीमेंट करता चला जाऊँ। ये मेरे प्रत्यक्ष टीचर्स थे जिनके साथ मुझे कुछ समय बिताने का मौका मिला। सतीश जी, जिनसे मैंने कलरी पाइट सीखा साउथ में जाके, ये वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ मुझे देते चले गए। उसके बाद मेरे स्पिरिचुअल गुरु डॉक्टर दाइसा कुवेकीदा, जिन्होंने मुझे स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग किया। मैं जब भी हिम्मत हारता था तो मैं मतलब उनकी राइटिंग्स को पढ़ता था, ये सारी चीज़ों को पढ़ता था, चैंट करता था। सो मेरे वो सारे स्पिरिचुअल गुरुस है ना, उनमें से एक दाइसा कुवेकीदा मेरे वो मित्र, जब मैं मुंबई में रहता था, जिन्होंने मुझे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी सिखाई, है ना। कभी मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, मैं शायद कभी करूं तो कोशिश करता हूं, क्योंकि अकल्ट साइंस मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इसकी हकीकत को ढूंढने की कोशिश करता हूं। तो ये सारे गुरु हैं, मेरे सारे स्टूडेंट्स जिनको मैंने पढ़ाया है, मैं सारे स्टूडेंट से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, वो कुछ ना कुछ मुझे सिखाते चले जाते हैं। उनमें से एक नाम है लियोन जेम्स, जिनसे मैंने मास सीखा है ना। कुछ ने मुझे डांस सिखाया है, कुछ ने अपना भाषा सिखाया है। तो ये सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे कहीं ना कहीं मेरे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सहयोग किया है आगे ग्रो करने के लिए। तो मेरे सारे स्टूडेंट्स, अभी तक जितने लोगों को मैंने पिछले 10-12 साल में पढ़ाया है, वो सारे मेरे टीचर्स हैं। वो हमेशा ये सोचते होंगे कि मैं उनका टीचर हूँ, मगर वो मेरे टीचर हैं। तो मैं उनको भी आज इस माध्यम से चरण स्पर्श करता हूँ, मेरे सारे स्टूडेंट्स का, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो दोस्तों, कहानी बहुत लंबी है, इसको शॉर्ट में रखते हैं और बस इतना कहते हैं, माँ बाप से बड़ा कोई भी गुरु नहीं। जितने भी गुरु आएंगे वो माँ बाप के बाद आएंगे, है ना। तो माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, उनको प्यार दीजिए, है ना, उनको जितना हो सके। करियर वरियर बहुत बात की बात है, अगर वो हैं आपके साथ तो ये सब आते चले आएंगे, पैसे दौलत शोहरत सब आएंगे, माँ बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। ये याद रखिएगा, ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ चीज़ है दोस्त।
तो ये सबसे बड़े गुरु हैं आपके, उसके बाद सारे गुरु आते चले जाएंगे और कोई ऐसा नहीं होता, एक आदमी आपका गुरु कभी नहीं एक आदमी कभी भी आपका गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि आप हर समय कुछ ना कुछ किसी से सीखते हो। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उन सारे गुरु को चरण स्पर्श करता हूँ, है ना, और आप सबको ये कहता हूँ कि आई लव यू, आपके बिना मैं अधूरा था और हमेशा अधूरा रहूँगा। थैंक यू, टेक केयर।